Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today our topic is integration of algebraic expressions by substitution method. आज के लेक्चर में हम substitution method की मदद से algebraic expressions का integration मालूम करेंगे. तो आज के लेक्चर के लिए मैंने ये question select की है. ये हमारे पास algebraic expressions की 3 questions है. इसका integration हमने मालूम करना है by substitution method. तो सबसे पहले पहली क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर द रूट एक्स डीएक्स. यहाँ पर हम सपोजिशन ये लेंगे कि एक्स अंडर द रूट जो है इसको सिंपल वेरिएबल इस जो है ये सपोज करेंगे. लेट एक्स अंडर द रूट इज इक्वल टू टी. एक्स अंडर द रूट की जगह मैंने टी ले लिया है. अब इस एक्स की जगह हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि एक्स की वैल्यू यहाँ से मालूम हो सके. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर और रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर. अब डी एक्स का वैल्यू मालूम करना है, इसके लिए हम इन दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड हो इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड. एक्स का डिराइवेटिव क्या है, 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिराइवेटिव होगा 2t. अगेन डिराइवेटिव ऑफ टी ये होगा डी टी बाई डी एक्स. अब डी एक्स डिविजन में है, जब इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt. तो यहाँ पर एक्स के अंडर द रूट की जगह हम पुट करेंगे टी, और x की जगह पुट करेंगे t स्क्वायर, और dx की जगह पुट करेंगे 2t dt. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे t स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह पुट करेंगे t स्क्वायर, और होल स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा डिवाइड बाय x अंडर द रूट की जगह पुट करेंगे t इंटू dx की जगह पुट करेंगे 2t dt. t विल बी कैंसल विद t. This is equal to integration of t square plus 3t to the power 2 multiplied by 2 4 into 2 dt. अब 2 इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. This is equal to integration of 2t square plus 6t to the power 4 dt. यहाँ पर हमने इस 2 को टी स्क्वायर के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया है और 3t टू द पावर 4 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया है. अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लेते हैं, ले लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6t टू द पावर 4 dt. अब 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आगे ले आते हैं इसको. 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt प्लस 6 यहाँ पर कांस्टेंट है, आगे ले आते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 dt. 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम किस तरह मालूम करेंगे, इसकी पावर के साथ 1 ऐड करेंगे और इसकी पावर को डिनोमिनेटर में दोबारा लिखेंगे, तो 2 के साथ 1 ऐड कर लेते हैं, तो इसे बनेगा टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 6 इंटू टी टू द पावर. अब टी की पावर के साथ 1 ऐड कर लेते हैं, तो इसका पावर 4 है, 1 ऐड करेंगे तो इसे 5 बनेगा डिवाइड बाई 5 प्लस सी. अब बैकवर्ड सपोजिशन कर लेते हैं, यानी टी की जगह वापस वही ओरिजिनल वैल्यू पुट कर लेते हैं. टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है एक्स अंडर द रूट. टी की जगह यहाँ पर पुट करेंगे एक्स अंडर द रूट, 2 इंटू एक्स अंडर द रूट क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 6 इंटू एक्स अंडर द रूट टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी. अब एक्स अंडर द रूट हमारे पास बराबर है 1/2 पावर के, तो रूट की जगह लिखेंगे 1/2 पावर ऑल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 6 इंटू एक्स अंडर द रूट, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर. अब 3 और 1/2 इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे बनेगा 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर, 5 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे बनेगा 5 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 5 प्लस सी. ये हमारे पास इस
फंक्शन का इंटीग्रेशन है। अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ टी 60 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3t स्क्वायर माइनस 7 इंटू dt। यहाँ पर हम 3t माइनस 7 का पावर जो है ये रूट है, तो रूट की जगह यहाँ पर लिखेंगे 1 ओवर 2 पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 60 डिवाइड बाय 3t स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 1 ओवर 2 इंटू dt। अब 3t स्क्वायर माइनस 7 का पावर प्लस 1 ओवर 2 है, जब न्यूमिरेटर में ये शिफ्ट होगा तो इसका पावर माइनस 1 ओवर 2 बनेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 7 होल टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 इंटू 60 dt। अब देखिए इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस पावर के अंदर जो फंक्शन मौजूद है इसको हम एक सिंपल वेरिएबल जो है वो सपोज करेंगे, इसकी जगह हम सिंपल वेरिएबल लेंगे। लेट यहाँ पर हम लेंगे 3t स्क्वायर माइनस 7 की जगह एक सिंपल वेरिएबल y ले लेते हैं। अब यहाँ पर dt की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना होगा। d/dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू d/dt ऑफ y। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 60 माइनस 7 का डेरिवेटिव है 0 इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव है dy/dt। यहाँ पर रह जाएगा 60, dt डिनोमिनेटर में है, जब इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इज इक्वल टू dy। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 3t स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम पुट करेंगे y और 60 dt की जगह हम पुट करेंगे dy। This is equal to integration of 3t square minus 7 की जगह हम put करेंगे y to the power minus 1 over 2 अपने जगह पर आ जाएगा और 60 dt की जगह हम put करेंगे dy। तो ये तो हमारे पास सिंपल वेरिएबल है y और इसका पावर है, तो यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी y के पावर के साथ 1 ऐड कर लेते हैं और इसको डिनोमिनेटर में दोबारा लिख लेते हैं। y to the power minus 1 over 2 plus 1 divided by minus 1 over 2 plus 1 plus some constant c. This is equal to y to the power 2 into 1, 2, 2 minus 1, इसे बनेगा 1, divided by 2. अब इसका LCM ले लेते हैं, 2 इसका LCM है, 2 into 1, 2, 2 minus 1, इसे बनेगा 1, plus c. This is equal to, अब 1 ओवर 2 डिनोमिनेटर में है यानी डिवीजन में है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में हम शिफ्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, इनटू y टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस c इज इक्वल टू 2 बाय 1, इससे 2 बनेगा और y का पावर 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 पावर की जगह हम रूट लेंगे प्लस c। अब क्वेश्चन को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, इसका आंसर हमने मालूम कर लिया है, लेकिन y की जगह y की ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2 इनटू अंडर द रूट y का आंसर हम वैल्यू हमारे पास है 3t स्क्वायर माइनस 7 प्लस c। तो ये इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन है। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसका पावर प्लस 2 है, जब इसको न्यूमिरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर बनेगा माइनस 2। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल टू द पावर माइनस 2 और x प्लस 1 अपनी जगह पर आ जाएगा इनटू dx। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी तरह सपोजिशन करेंगे यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की जगह हम एक और वेरिएबल लेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, लेकिन बास क्वेश्चन में ये डेरिवेटिव कंप्लीट होता है और बास क्वेश्चन में इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पर ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो हम इस फंक्शन को एक और वेरिएबल के बराबर लेंगे। लेट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसकी जगह हम t लेंगे, हम एनी वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर।
अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा ताकि x प्लस वन dx की वैल्यू इससे मालूम हो सके, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। एक्स स्क्वेयर का डिराइवेटिव है 2x, 2x का डिराइवेटिव है 2, प्लस 2 का डिराइवेटिव है 0 इज इक्वल टू टी का डिराइवेटिव है डी टी बाई डी एक्स। 2x प्लस 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, डी एक्स डिवीजन में है, जब इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस वन डी एक्स है और यहाँ पर हमने 2x प्लस टू इंटू डी एक्स ये मालूम कर लिया है। अब इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चूँकि यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए इस 2 को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर टी, एक्स प्लस वन डी एक्स की जगह पर पुट करेंगे डी टी बाई टू, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हम पुट करेंगे टी टू द पावर माइनस टू और एक्स प्लस वन डी एक्स की जगह पुट करेंगे डी टी डिवाइड बाई टू। अब वन ओवर टू चूंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रेशन से आगे ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 over 2 into integration of t to the power minus 2 dt। ये तो सिंपल वेरिएबल है और इस पर पावर है। अब इस पर वही सिंपल फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी इसकी पावर के साथ 1 ऐड करेंगे और 4 को डिनोमिनेटर में दोबारा लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 over 2 t to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus c। दिस इज इक्वल टू 1 over 2 t टू द पावर माइनस टू प्लस वन इसे बनेगा माइनस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन इसे भी बनेगा माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू वन और टू के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे बनेगा माइनस वन और टू इन टू टी टू द पावर माइनस वन प्लस सी। अब t का पावर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं, इसका पावर बनेगा प्लस वन, प्लस वन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब t की जगह वापस t की वैल्यू फुट कर लेते हैं, t की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस वन और टू इन टू टी की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू और प्लस सी अपने जगह पर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 में मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुक्रिया।